हाय फ्रेंड्स, एक बार आपका फिर स्वागत है आपका अपना चैनल एग्जाम फॉर्मेट पर। फ्रेंड्स, ये बेहद ही दुखदाई और बेहद ही अफसोसजनक न्यूज़ है फ्रेंड्स कि जो दो दिन पहले जो न्यूज़ सर्कुलेट हुआ हो रहा था वो आखिर सच साबित हुआ। 13 जिला का वैकेंसी रद्द कर दिया गया, उसके लिए नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि आखिर पंचायत सचिव का होगा क्या, उसके आगे की क्या राह है, क्या किया जाए जो उस पर कुछ आँच ना आए। तो इसी पे हम लोग चर्चा करेंगे फ्रेंड्स। तो सबसे पहले देखते हैं कि नोटिफिकेशन पे निकल के आखिर क्या आया है। हाँ तो फ्रेंड्स, नोटिफिकेशन देखते हैं तो सबसे पहले ये नोटिफिकेशन कार्मिक प्रशासनिक सुधार राजभाषा विभाग की ओर से आया है, जो कि सरकार के संयुक्त सचिव द्वारा भेजा गया है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को। इसमें क्या है, ये आपका 19/1/2021 गलती लिख दिया है, 2022 से यहाँ पर होगा, वो गलती से आदत हो जाता है लिख लिख के, तो वही है। यहाँ पे सोनी कुमारी संलग्न माननीय झारखंड उच्च न्यायालय में जो झारखंड सरकार और सोनी कुमारी के भरसे जो केस हुआ था फ्रेंड्स, तो उसी के जो रिगार्डिंग फैसला आया था माननीय उच्च न्यायालय की ओर से कि 13 जिला का सारे विज्ञापन को रद्द किया जाता है, तो उसी के फैसले पे अमल करते हुए सरकार ने 13 जिला के जितना वैकेंसीज है सबको आहरित कर लिया है। तो आगे देखते हैं और वैकेंसी पे क्या है फ्रेंड्स नोटिफिकेशन पे। तो यहाँ पे है कि निर्देशानुसार उपयुक्त विषयक आपके पत्रांक इतना पे विभागीय संकल्प संख्या 229 दिनांक 19/1/2022 की छाया प्रति सुलभ मार्गदर्शन हेतु संलग्न है, ये भेजा गया है आपको, जीएसटी को भेजा गया है। उक्त संकल्प द्वारा विभागीय अधिसूचना 5938 दिनांक 14/7/2016 एवं 5939 दिनांक 14/7/2016 को आहरित किया गया है, मतलब रिटर्निंग ले लिया है सरकार इसको। तो इस पर अब देखते हैं आगे क्या हो सकता है। तदनुसार विभागीय संकल्प 229 दिनांक 19/1/2022 द्वारा निरूपित प्रावधान के अनुरूप अधिसूचना 5938 यही मेन है फ्रेंड 14/7/2016 तथा आदेश 5939 दिनांक 14/7/2016 आच्छादित विज्ञापनों के संबंध में अग्रतर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। मतलब कि जो जैसे सचिव भेजा गया है कि जो आप वैकेंसी जो निकाले थे PSUS को लेकर, तो उसके रिगार्डिंग मतलब जो 13 जिला जिसमें जो है अधिसूचित जिला जो था उसके ऊपर जो वैकेंसी निकाला है उसको रिटर्निंग लेने का कार्रवाई किया जाए, उसी को बोल रहा है। इस संबंध में अगर कोई मामला न्यायालय में विचाराधीन है तो तदनुसार प्रति शपथ पत्र भी दायर किया जाना चाहिए, सुनिश्चित किया जाए आपका जो भी है विश्वासभाजन जो भी है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही अफसोसजनक मैटर है यहाँ पे। तब हम लोग बात करते हैं कि पंचायत सेक्रेटरी का अब क्या होगा। तो फ्रेंड्स, पंचायत सचिव पे अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। सबसे मेन बात है कि ये इसका न्यायालय माननीय सुप्रीम कोर्ट पे अभी पेंडिंग है, तो यहाँ पे स्पेशली लिखा हुआ है कि अगर कोई मामला न्यायालय में विचाराधीन है तो प्रति शपथ पत्र दायर किया जाना सुनिश्चित किया जाए। इसका मतलब यही निकल रहा है फ्रेंड्स कि जो न्यायालय में जिसका केस पेंडिंग है उसको अभी छोड़ के बाद बाकी को रिटर्न ले लिया जाए ताकि फिर से हम लोग वैकेंसी निकाल सके, इसका मतलब यही है। अब क्या करना चाहिए, तो हम लोग को सुप्रीम कोर्ट पे सरकार का मंशा यही है, कन्फर्म है सरकार की मंशा कि टोटल वैकेंसी को चौपट कर देना, टोटल वैकेंसी को इंक्लूडिंग पंचायत सेक्रेटरी तक को। तो सरकार का मेन मंशा यही है कि ख़त्म कर दो टोटल, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मैटर फंसा हुआ है, इसलिए सरकार कुछ कर नहीं पा रही है। तो इसीलिए हम लोग के पास अब बस यही एक ऑप्शन है कि सुप्रीम कोर्ट को लेकर जो फंडिंग हो रहा है फ्रेंड्स, उस पर जम के फंडिंग करिए, सुप्रीम कोर्ट में जितना से ज़्यादा सीनियर वकील उतारा जाए फ्रेंड्स, और कोई ऑप्शन नहीं है। सिर्फ वहीं से ही ये जो नोटिस निकल कर आया है बाहर उस पर स्टे लिया जा सकता है। सबसे पहले अभी हम लोग को सरकार के कार्मिक विभाग की ओर से जो नोटिस निकला है, जो फैसला किया गया है, उसका सबसे पहले हम लोग को स्टे लेना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट से, उसका रोक लगवाना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग को जो 24 जनवरी से जो सुनवाई है फ्रेंड्स, उसको लेके हम लोग को फंडिंग करके सीनियर से मोस्ट सीनियर वकील को जब तक नहीं उतारा जाए तब तक कुछ नहीं होने वाला है, अन्यथा आयो राम गयो राम की स्थिति हो जाएगी। ये सरकार, ये नेता लोग, हम लोग के ज़िंदगी से कोई मतलब नहीं है उन लोग को टोटल। फ्रेंड्स, अफसोस लगता है कि बहुत सारे बंदे को हम जानते हैं जो रात रात दिन दिन
24 आवर्स में 15-17 घंटा दिन भर पंचायत सेक्रेटरी को लेकर टाइपिंग किए थे फ्रेंड्स, पढ़े थे टाइपिंग किए थे, उसके बावजूद मतलब 3 गुना रिजल्ट आया, उसके बावजूद भी 4 घंटा से पता चल रहा है कि वैकेंसी फंस गया है। तो पता चल रहा है कि 3 महीना बाद सुनवाई है, तो फिर 3 महीना तक वेट कर रहा है कि इस बार सुनवाई में कुछ होगा। फिर पता चला कि नहीं, डेट मिल गया, 4 महीना बाद सुनवाई, फिर 4 महीना वेट किया, ऐसे करते करते 4 साल वेट कर दिया फ्रेंड्स। उसके बाद ये फैसला निकल कर आया है फाइनली कि हम लोग के वैकेंसी पे अब हम लोग का वैकेंसी को अब चूल्हा पे डालने ही वाला है सरकार। और समझियो कि सरकार के हाथ से ये जो हम लोग का ज्वाइनिंग लेटर या हम लोग का जो वैकेंसी है उसको चूल्हा पे छोड़ दिया गया है, बस चूल्हा पे गिरने वाला है। अब सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट इसको बचा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट पे के लिए आप लोग फंडिंग करिए प्लीज़, और जितना ज़्यादा फंडिंग कर सकते हैं। अभी पैनिक होने का सिचुएशन नहीं है फ्रेंड्स, पैनिक मत होइए, पैनिक बिल्कुल नहीं होना है, सिर्फ फंडिंग करिए। इंशाल्लाह हम लोग सॉरी फ्रेंड्स, कुछ आँख में गिर गया था। तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा या भगवान ने चाहे या ईसा मसीह ने चाहा तो ज़रूर हम लोग ये वैकेंसी कहीं नहीं जाने वाला है। हम लोग का इतना जो मेहनत किया गया है, मेहनत का फल मीठा होता है, तो ज़रूर हम लोग को इसका फल मीठा मिलेगा और हम लोग स्टे ले आएंगे। बस आप लोग से बस यही एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फंडिंग करिए। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ये वीडियो को नहीं बनाने का मन था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट को जान रहे हैं जिनका मतलब रूह हिल गया है ये न्यूज़ पढ़ के फ्रेंड्स। तो अब क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, कोई उपाय नहीं है, बस सिर्फ फंडिंग करिए। सुप्रीम कोर्ट अब इस पर कुछ कर सकती है और कुछ नहीं उपाय है। तो फ्रेंड्स, और एक आप लोग को न्यूज़ देना चाहते हैं फ्रेंड्स कि जैसे CCGL की क्लास चल रही है, तो जिन लोग को लगता है कि जैसे CCGL का नागपुरी का जो तैयारी कहीं ढंग से अच्छे ढंग से नहीं हो पा रही है, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अब यहाँ पे नागपुरी भाषा व्याकरण का टोटल लेक्चर दिया हुआ है, और अभी नागपुरी भाषा व्याकरण का आज रात से या कल से नागपुरी भाषा का जो 1 केवरा पार्ट 1 है, उसे जो कविता पार्ट है, उसका वीडियो लेक्चर आना स्टार्ट हो जाएगा फ्रेंड। और उसके अलावा टोटल जैसे CGL का A to Z तैयारी कराई जाएगी हमारे चैनल पर। आप लोग बने रहे, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और इसी के साथ और गमी के माहौल में तो आपसे विदा लेना चाहते हैं फ्रेंड। जय झारखंड, जय जोहार, जीत हमेशा सच्चाई की होगी।